नमस्कार, मैं अचल केडिया क्लिपर 28 में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति की जो फूस का घर, आने जाने के लिए साइकिल और पेंशन की राशि को गरीब बच्चों के लिए दे देता है। ये काम है मोदी मंत्रिमंडल में शामिल एक राज्य मंत्री का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उड़ीसा के सांसद प्रताप चंद्र सारंगी का। प्रताप चंद्र सारंगी भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर बालेश्वर लोकसभा सीट से नव निर्वाचित हुए और उनकी सादगी के कारण उन्हें उड़ीसा के मोदी कहे जाते हैं। वे अविवाहित हैं, उनकी मां का बीते साल निधन हो गया। फिलहाल वह अकेले ही रहते हैं और पूरे समाज को अपना परिवार मानते हैं। बालेश्वर जिला की नीलगिरी के रहने वाले प्रताप के घर के सामने हैंडपंप है, जहाँ पर खुद चलाकर पानी भरते हैं, नहा लेते हैं। पूजा अर्चना के बाद वह समाज सेवा कार्य में जुट जाते हैं। भाजपा के लोग बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक उनसे इतना प्रभावित है, समाज सेवा का उन्हें जुनून है। वह मानते हैं कि इसके लिए उपयुक्त प्लेटफॉर्म राजनीति ही है। सफेद दाढ़ी, सिर पर सफेद कम्बाल, साइकिल, बैग उनकी पहचान है। किसी गरीब का कोई काम होता है तो वह सीधे प्रताप सारंगी को झोपड़ी में जा पहुँचता है। उसे पता है कि यहाँ पर उसकी शिकायत जरूर सुनी जाएगी। उनकी यह सादगी, ईमानदारी और कम खर्चे पर जिंदगी बिताना ही लोगों को रास आ गया। इसी के बूते उन्होंने बीजू जनता दल के मजबूत गढ़ को ध्वस्त कर दिया और बिजद रविंद्र कुमार जीना को हरा दिया। अब प्रताप चंद्र सारंगी की इसी सादगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सूची में भी स्थान दिला दिया है। सांसद प्रताप चंद्र सारंगी का जन्म उड़ीसा के गरीब परिवार में हुआ है। दुबला पतला शरीर, साधु वेश में जीवन बिताने वाले सारंगी शुरू से ही धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। वह साधु बनना चाहते थे। उनके करीबी लोग बताते हैं कि नीलगिरी फकीर मोहन कॉलेज में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वह साधु बनने के लिए रामकृष्ण मठ चले गए। मठ के लोगों को जब पता चला कि उनकी माँ विधवा है तो उनको माँ की सेवा करने को कहा गया। इसके बाद उन्होंने विवाह नहीं किया, पूरा जीवन माँ व समाज की सेवा में लगा दिया। बच्चों को पढ़ाते भी हैं। समाज सेवा की प्रेरणा को वह माँ का आशीर्वाद मानते हैं। उनके परिवार में और कोई नहीं है। वह छोटे से घर में रहते हैं और साइकिल पर चलते हैं। संपत्ति के नाम पर छोटा सा घर है। बीते साल उनकी मां का निधन हो गया था। उनकी पार्टी के लोगों का कहना है कि मोदी की पहल के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा। 2004 से लेकर 2009 तक वह विधायक रह चुके हैं। लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।